नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। इस सत्र की शुरुआत हम करने वाले हैं साइंस विषय के साथ। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए क्या टॉपिक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, उसका लिंक अवेलेबल है एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर उसको देख सकते हैं, और जिन्होंने मिस किया है तो ऑब्वियसली यस, लिंक इज़ अवेलेबल। आप जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरे पार्ट की तरफ आज हम आगे बढ़ेंगे, और दोनों लिंक अवेलेबल होंगे तो फिर समस्या कहीं पर ही नहीं है, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। राइट, चलिए। अगर आपके तब भी कोई प्रश्न रह जाते हैं, समस्या रह जाती है, मन में दुविधा है, क्या करेंगे, आप फ़ोन कर सकते हैं। देखिए अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर 8800440559, ये है हमारा टेलीफोन नंबर। इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सुझाव हमें मेल भी कर सकते हैं। ऑफिशियल मेल आईडी फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, दैट इज़ dts.class10@cit.nic.in पर। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, लाइव देखने के लिए, आप पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 10 पर ट्यून इन कर सकते हैं, और साथ ही एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप इसे लाइव देख सकते हैं। समय हो गया है अपने एक्सपर्ट को इनवाइट करने का। बहुत बहुत स्वागत है मिस चारू मैनी, जो कि प्रिंसिपल हैं डीएबी पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैनी मैम। थैंक यू जी। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट टू, मैं चाहता हूं कि बहुत कम वक्त में आप उसको पार्ट वन से एक बार कोरिलेट कर दें, थोड़ा सा कैबुलरी कैपिटुलेशन हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू धर्मेंद्र जी, और बहुत बहुत स्वागत मेरे प्यारे बच्चों। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने मुझे पिछले एपिसोड में भी सुना होगा, और नहीं तो जैसे कि बताएं तो पिछले एपिसोड में हमने इतना तो समझ लिया दैट कार्बन इज एन एलिमेंट विद सिंबल सी, ओके, एंड एटॉमिक नंबर इज 6। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आल्सो वी स्टडीड इन द प्रीवियस यूनिट, दैट इज 2 and 4। इट इज अ नॉन मेटल, वी नो दैट, एंड इट इज वर्सेटाइल। एंड व्हाई इट इज वर्सेटाइल? Because in the last episode, we have seen that all around, whatever we use, maximum usage is of carbon, be it rubber, the brush that we use to brush our teeth, okay, the milk that we drink, or lemon water that we drink, anything. Or for that matter, the chapati that I eat in the morning, that also contains carbon. So, itna versatile element hai, aur usko janna samajhna bahut hi zaruri hai mere bachcho. To ye hum sabne samajh liya tha, aur iske liye humne ye bhi kaha ki this versatility comes because of its two main properties, and what are they? Catenation, and it is its tetravalency. Tetravalency मतलब वो चार दोस्त बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दो हाथ हैं, मैं एक यहाँ से कुछ पकड़ सकती हूँ, यहाँ से कुछ पकड़ सकती हूँ, मैं एक बार में दो दोस्तों को पकड़ सकती हूँ, लेकिन कार्बन एक बार में चार चार। तो लेट अस सी द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज बिकॉज इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, एंड एज वी हैड सेड इन द लास्ट एपिसोड कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, या हम कहें तो पूरे विश्व में कितने एलिमेंट्स हैं जो अब तक हमें पता चले, 118 आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, द स्मॉल एलिमेंट कार्बन, छोटा सा एलिमेंट है, खाली 6 एटॉमिक नंबर वाला, इट मेक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स मच मोर देन व्हाट ऑल दीज 118 एलिमेंट्स पुट टुगेदर मेक। सो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टडी देन, इजंट इट? तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी प्यारे बच्चों, दैट अपने आप को वर्सेटाइल बना के रखें। अब मैं प्रिंसिपल हूँ, लेकिन इस समय मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड की। तो वर्सेटाइलिटी जब बढ़ती है ना, तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसे कि हम छोटे से कार्बन को भी आज पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जितना कि कोई और नहीं बना सकता। तो ये आप ध्यान रखें मेरे बच्चों। और जैसे हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे जो होस्ट हैं, हमारे एंकर हैं, वो भी तो कितने वर्सेटाइल हैं। अच्छा, देखिए आपने वर्सेटाइलिटी पर एक बात बोली है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस बात को कोट किया। मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाह रहा था कि पिछले दो वर्षों का अगर आप समय उठाकर देखें, तो हर एक कंपनी में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो वर्सेटैलिटी की एक छाप होना अब बहुत आवश्यक है। कम वक्त में बहुत सारे काम आपको करके देने हैं। अभी तक शायद हम इसके पीछे नहीं थे, अब हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं आप चाहूँगा कि एक मिनट का समय आप इस पर ज़रूर दें, क्यों आवश्यक है ये वर्सेटैलिटी का पोर्ट होना, यस, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए एक कारण तो वो हुआ। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो एडोलेसेंट्स हैं खासतौर से, जो अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं यहाँ वहाँ, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो पहले समझ लें कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
यस ग्रेट. सो वर्सेटाइल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी राइटली सेड. बिकॉज अगर देखो, अगर हम रोज एक खिचड़ी खाएं तो किसी को टेस्टी नहीं लगेगी ना. उसके साथ हम कभी पापड़, कभी अचार, ये सब ऐड करते हैं. व्हाट आर दीज? दीज आर ऐड ऑन्स. दीज ऐड ऑन्स आर स्किल सेट्स. तो अगर मैं एक एक्स्ट्रा भाषा सीख लूँ, कोई एक्स्ट्रा कोई और स्किल सीख लूँ, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई और मे बी इलेक्ट्रिसिटी या फर्स्ट एड और या फिर ये प्रेजेंटेशन जो मैं आज कर रही हूँ. Anything that you can add to your skill set will add to your versatility and your value in this world. So, coming from that, coming back to carbon. To carbon se humne ye sikha that we have to be versatile in this world if we wish to succeed. Kyunki itna jo hamara ye aajkal ka time hai na, we say it is a VUCA world. VUCA, volatile, unpredictable, complex, ambiguous. Aisa hamara samay aa gaya hai ki mujhe pata hi nahi ki kal kya hone wala hai. तो अगर मेरे में एक लर्निंग टू लर्न की कैपेबिलिटी रहेगी तो ऑब्वियसली आई विल बी गुड. सो कमिंग बैक टू कार्बन, फर्स्ट थिंग विच मेक्स इट वर्सेटाइल इज कैटेनेशन. दैट मींस इट कैन मेक सेल्फ लिंकिंग. एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के रहता है. जैसे कि हम कहते हैं कि हम भेदभाव ना रखें और एक दूसरे के साथ मिल के काम करें. तो कोलैबोरेशन जो कि 21st सेंचुरी स्किल है वो कार्बन में बहुत है और हम सब भी कार्बन के बने हैं. तो कैटेनेशन हमें जरूर आना चाहिए. लिंक विद अदर्स, कोलैबोरेट करें. ओके, सो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दिस इज अ चेन. जब तक आपका हाथ टूटे ना, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन एक कार्बन से दूसरे कार्बन हम जा पा रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज अ चेन. मैंने चार कार्बन की चेन बनाई है, ऐसे लंबी चेन. कभी आपने चेन चेन खेला है तो उसी तरह से ये लंबी चेन बनाई जा सकती है. और यही कार्बन एक ब्रांच चेन भी बना सकता है. जितनी ऐसे ब्रांच बन गई तो कार्बन कभी लॉन्ग चेन बना लेता है, कभी ब्रांच चेन बना लेता है और कभी ऐसे रिंग्स बना लेता है. तरह तरह के कंपाउंड्स वो बना सकता है. इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन is known as catenation. The next property which makes it versatile is tetravalency of carbon. Last episode we noticed that carbon is tetravalent. That means it can form four bonds because it has got six electrons total. Okay, two or four uska atomic number hai, jo electronic configuration hai. Jaise ki humne likha tha pichle episode mein, carbon has six electrons. Okay, two in the K shell and four in the L shell. K and L, दो shells हैं. K shell में दो electron हैं और L shell में चार electron हैं. अब इसको चार electron और चाहिए stable होने के लिए. So this makes why carbon is tetravalent. So here I am showing you a tetravalent carbon with four bonds, यानी कि चार दोस्त जो कि carbon बना सकता है. Okay, so and these four bonds in case of methane are directed towards four corners of a tetrahedron. ये सब मिला के एक tetrahedron बनता है. Tetrahedron यानी कि सब के अंदर 109.28 का angle है, इसको हम tetrahedron कहते हैं. Okay, so ये तो हो गया carbon की tetravalency और catenation बात. अब because of the tetravalency and catenation, carbon can form exist also in different types of allotropes. And what are allotropes? I'm sure you know it because you have studied in your lower classes also. Allotropes are the different forms of same element. Element wahi hai, carbon. Lekin wo tarah tarah se exist karta hai. For example, the first one is diamond. See here. In this case, as you can see in this structure, my dear students, that each carbon, if you see, is linked to four others. और इतना टाइट स्ट्रक्चर बना लिया है कि ये एक डायमंड, शाइनिंग डायमंड बन गया है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कितना हैरानी की बात है ना कि कोयला जो हम यूज करते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब एक ही चीज के बने हुए हैं और डायमंड पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, यू नो. सो अगर हमें प्रेशर झेलने की क्षमता हो जाए ना तो हम भी डायमंड की तरह चमकते देर नहीं लगेगी. तो आप तो रेजिलियंस, यू नो, दिस इज अ वेरी बिग एट्रीब्यूट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. रेजिलियंस यानी कि गिर के उठने की क्षमता.
जिस इंसान में गिर के उठने की क्षमता है वो तो डायमंड बनेगा ही। तो यही है, ये छोटा सा कार्बन जब अपने ऊपर खूब प्रेशर झेल लेता है तो वो बन जाता है डायमंड, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों के अंदर आती है। ओके, और ये नेक्स्ट है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि हम यूज करते हैं किसमें, पेंसिल लेड में, पेंसिल के अंदर है ग्रेफाइट, आप सबने यूज किया है। और हम जो हमारे मशीन्स हैं उनकी, उनको ऑयल, उनको ग्रीसिंग के लिए भी हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। तो कहाँ इतना हार्ड डायमंड और इतना सॉफ्ट ग्रेफाइट, ये सब भी कार्बन का है। तो हम सॉफ्ट भी रहें और हार्ड भी रहें तभी हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। ठीक है, कार्बन से बहुत कुछ सीखने को है हमें। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ये देखो बच्चों, इन केस ऑफ ग्रेफाइट एज यू कैन सी देर इन दिस स्ट्रक्चर दैट आई हैव इन माई हैंड देर आर थ्री लेयर्स। एक सबसे नीचे लेयर दिख रही है, एक बीच में और एक इसके ऊपर। और अगर आप देखेंगे इन लेयर्स के बीच में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, क्योंकि एक कार्बन अगर आप देखो यहाँ पर, ये अगर मैं बीच वाला कार्बन लेती हूँ तो एक दो और तीन, हर कार्बन तीन कार्बन से कनेक्टेड है और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। तो ये तो हो गई डायमंड और ग्रेफाइट की बात। ओके, जस्ट और आप इसको गूगल करके और ढूंढे। पर एक पिछली बार जब हम सेशन ले रहे थे तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम फुलरीन के बारे में बताइए, फुलरीन के बारे। तो फुलरीन क्या है, फुलरीन भी एक कार्बन का फॉर्म है। ओके, एक एलोट्रोप है। क्या है इसके अंदर, फुलरीन के अंदर डार्क पर्पल कलर होता है। ये मैं खाली फुटबॉल लेके आई, जिससे आजकल आप खेल नहीं पा रहे ना बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम्स, घर में थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, आई होप थोड़ा बहुत प्ले कर रहे हैं। सो फुलरीन्स आर नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट, इट हैज अ स्फीयर, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है। और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, और आप सपने अगर देखी है एक फुटबॉल, तो कुछ आप बताइए जरा धर्मेंद्र जी, एक फुटबॉल आपने देखा है तो इसके अंदर छह वाले होते हैं रिंग्स और पांच वाले, ऐसा होता है, आपने कभी नोट किया फुटबॉल खेली हो? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया है ना। तो कुछ रिंग्स छह वाली होंगी और कुछ रिंग्स पांच वाली होंगी। तो ऐसे 20 हेक्सागन्स और 12 पेंटागन्स, हेक्सागन आप सब जानते हैं यानी कि 6 साइड्स एंड पेंटागन 12 5 साइड्स। ओके, तो 12 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन्स को मिला के एक फुलरीन क्रिएट होता है। ओके, सो ये तो हो गया एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का, जस्ट दिस वाज फॉर आवर नॉलेज। ओके, इसके अंदर अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे जो हमें पे पढ़ना है कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में, और उसके अंदर है हाइड्रोकार्बन्स। एंड व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो इज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन इज फ्रॉम कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें कि हाइड्रोजन साथ में लगा हो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एंड दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जो कि पृथ्वी पर अपने आप ही बने हैं। ओके, जैसे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, जो रोटी हम खाते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, जो दूध हम पीते हैं, ये सब हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दीज आर एग्जिस्टिंग इन नेचर देमसेल्व्स। अब बिकॉज मैन हैज मेड डिफरेंट वेज ऑफ जनरेटिंग वट एवर वॉज एग्जिस्टिंग इन नेचर ऑलरेडी, तो इसको हम बना सकते हैं लैब में, लेकिन क्योंकि इनिशियली दीज वर प्रेजेंट इन द नेचर देमसेल्व्स और लोगों को लगा कि शायद कोई एक शक्ति चाहिए, कोई एक दैविक शक्ति चाहिए इनको प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम सोचें किस किस तरह के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम बोलते हैं different types. The first type is coming is hydrocarbons, यानि कि carbon और hydrogen के compounds. इसमें पहला आएगा saturated hydrocarbons. Saturated जहाँ पर, जैसे अगर मेरे, बताओ मेरे दो हाथ हैं और मैं सबसे maximum इस हाथ से एक friend को पकड़ सकती हूँ, इस हाथ से दूसरे friend को पकड़ सकती हूँ, तो maximum मैं दो friends को पकड़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं दोनों हाथ इकट्ठे एक फ्रेंड की तरफ बढ़ा दूं तो क्या होगा,
आई बी एबल टू होल्ड ओनली वन. तो अगर मैं दोनों हाथों का यूज कर रही हूँ, यानी माई हैंड्स आर सैचुरेटेड, ओके, आई कैन नॉट होल्ड एनी वन एल्स मोर, ओके. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? वो जिसमें कि सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी बिकॉज अभी हमने दोबारा बोला कार्बन के पास चार बॉन्ड बनाने की शक्ति है, और ये चार एक सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड आपने पिछली बार पढ़ा था, दो इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर एक बॉन्ड बनती है. तो ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये दूसरी सिंगल बॉन्ड है, ये तीसरी सिंगल बॉन्ड है, और ये एक चौथी सिंगल बॉन्ड है. फोर सिंगल बॉन्ड्स. सो व्हेन वी हैव फोर सिंगल बॉन्ड्स विद वन कार्बन, इट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर मेरे पास यहाँ पर एक मीथेन का मॉलिक्यूल बनाती हूँ, ओके, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया मीथेन का, क्या है द ब्लैक बॉल, ओके, द ब्लैक बॉल हियर इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बन एंड द फोर व्हाइट वंस आर रिप्रेजेंटिंग द फोर हाइड्रोजन्स, ओके. सो दिस इज सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स वेयर वन कार्बन कैन होल्ड फोर डिफरेंट एलिमेंट्स, और इन दिस पर्टिकुलर केस फोर डिफरेंट हाइड्रोजन्स बाय फोर डिफरेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ मीथेन विच हैज ओनली वन कार्बन. एंड नाउ हियर आई कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इथेन. इथेन में क्या होगा? इथेन के अंदर यहां से हम एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और यहां पर एक और कार्बन लगा देंगे, तो ये बन गया हमारा इथेन, ओके. वन टू थ्री कार्बन हाइड्रोजन्स हैं, और इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना ली, तो ये इथेन. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो माई डियर स्टूडेंट्स, इथेन हैज गॉट C2H6, ओके. यानी कि जैसे मैंने यहां पर दिखाया है, इसके अंदर ये बन गया हमारा इथेन, ओके. हैव अ लुक हियर, यस, टू कार्बन्स, ओके, एंड थ्री हाइड्रोजन्स, ईच वन ऑफ दैम C2H6. दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की सारी सिंगल बॉन्ड्स होनी चाहिए. एंड माई डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट एपिसोड वी ऑल्सो स्टडी दैट वी कैन हैव डबल बॉन्ड्स लाइक इन केस ऑफ ऑक्सीजन O2, एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इन केस ऑफ नाइट्रोजन लाइक इन केस N3, ओके, एंड N2, नाइट्रोजन इज N2 विच फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड. सो इसी तरह से कार्बन कैन फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जैसे कि मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स कि अगर मैं अपने दोनों हाथ आगे कर दूं और तो एक ही जने को पकड़ूं, तो मैं अभी अनसैचुरेटेड हूं, क्योंकि अगर मैं एक हाथ को छोड़ूं तो एक जने को और पकड़ सकती हूं, तो आई एम नॉट सैचुरेटेड, फाइन. सिमिलरली अगर कार्बन इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, इन दिस पर्टिकुलर केस एज यू कैन सी देर आर टू बॉन्ड्स बींग शेयर, ओके, बिटवीन द टू कार्बन. लेट्स हैव अ लुक हाउ दिस कैन बी डन, ओके, एंड आई एम श्योर यू ऑल कैन ऑल्सो डू इट. So let's have a look here. So there is one carbon, okay, and carbon we know has a valency of 4. So 1 and 2 and 3 and 4. So ye to ho gaye 4 electrons ek particular carbon ke. Ab hum banate hain dusra carbon, aur jaise ki humne pichli baar kara tha ki hum in carbons ke electrons ko different tarike se share bata rahe hain, ek ko cross se aur ek ko hum dot se. अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, ये खाली देखने के लिए, ओके. सो फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन नंबर 1 विच आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, एंड फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन नंबर 2 विच आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस, ओके. सो हियर इफ आई कंबाइन दीज, ओके, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. अभी भी इसको और बनाना है. अब ये क्या करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया, ओके, इधर, और इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर, ओके. प्लीज हैव अ लुक, आई होप इट इज क्लियर. कार्बन, धर्मेंद्र जी, क्या क्लियर हो?
दिख रहा है ये जी जी जो बिल्कुल हम देख सकते हैं। साथ में आपको ये बता दूं कि 10 मिनट का समय हमारे पास बाकी है। वेरी नाइस। तो मेरा का भी थोड़ा सा और मैं बच्चों को बताती हूँ। तो क्विकली, तो अगर मैं पहले कार्बन को देखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था ना उसको स्टेबल होने के लिए, वो यहाँ पर बन गए हैं। और दूसरी तरफ भी अगर मैं यहाँ पर बनाती हूँ एक और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8, दोनों कार्बन के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं एंड दे बोथ आर स्टेबल। ओके, इफ यू विश आई कैन ड्रॉ इट क्विकली अगेन सो दैट इट इज नीट एंड स्टूडेंट्स कैन कॉम्प्रीहेंड। पहला कार्बन ब्लू से बनाया, दूसरा कार्बन रेड से। ओके, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे वाले के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसने इसको शेयर किया हाइड्रोजन के साथ और इसको भी शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो मेरे बच्चों, दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ। ओके, आप इसकी घर में प्रैक्टिस करें कि किस तरह से ये बनेगा। ओके, सो दैट ईच कार्बन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गई बात कार्बन किस तरह से एल्कीन्स बनाता है। एल्कीन, ऐसे जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे एल्कीन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। द नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज एल्काइन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक हो गए एल्कीन्स, यानी कि डबल बॉन्ड, ईन इज डबल बॉन्ड। एंड नेक्स्ट इज आयन, वाई एन ई, एल्काइन्स। ओके, एल्काइन्स में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी कि लाइक दिस एज यू कैन सी हियर। अगर ट्रिपल बॉन्ड, अगर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गए, अगर कार्बन के 4 हाथ होते तो 3 तो उसने बीच में लगा दिए, तो बस बाकी बचा 1। सो एज यू कैन सी हियर इन दिस, सो हियर वी हैव 3 बॉन्ड्स इन दिस कार्बन, एज यू कैन सी ऑन इन द स्क्रीन हियर। ओके, एंड इफ आई हैव टू ड्रॉ इट, लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ। सो आई हैव 1 कार्बन एंड आई हैव another carbon. Both the carbons have 4 electrons, but they are keeping 3 of their electrons in the middle. Okay, 3 electrons को बीच में रख रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो दोनों के दोनों लाए तो 4 ही हैं, लेकिन अब शेयर करना चाहते हैं 3 एक दूसरे के साथ, और जो बाकी है वो शेयर कर लेंगे किसी हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पहले इसको देखें, ये देखिए ब्लू कार्बन को, कार्बन का कलर ब्लू या रेड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह 8 पूरे हो गए। और इसी तरह से अगर मैं दूसरे कार्बन को देखूं तो इसके भी 6 इन द मिडल एंड 2 दिस साइड, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो बोथ द कार्बन्स आर हैप्पी बिकॉज दे हैव गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। So this was about the unsaturated hydrocarbons. So my dear students, right now we have dealt with hydrocarbons. In the next episode, we will be studying about how to name these hydrocarbons. Okay, so before, Dharminder ji, aap bataiye, how much time do we have to interact with the students, aur kya kuch questions aa rahe hain hamare paas bachcho ki taraf se? Abhi to filhal nahi, lekin yes, hamare paas 5 minute ka waqt abhi bhi baki hai. और हाँ, 5 मिनट पर्याप्त हैं काफी कुछ समझने के लिए। अरे हाँ, 5 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। तो हम क्विकली बात करते हैं डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो अगर जैसे अभी हमने बोला मीथेन की बात करी, इथेन की बात करी, तो अगर हमारे कंपाउंड में द हाइड्रोकार्बन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हैज गॉट डिफरेंट टाइप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने करा 1 2 3 4 5, तो इस तरह से कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम क्या होगा? हाउ विल द नेम? मैं मिस मैनी, हम 3 तक देख पा रहे हैं, 4 5 नहीं देख पा रहे हैं। शीट अच्छा, को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करें। यस, अब 4 तक हम पहुंच पाए। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं वहीं तक करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रीफिक्स, इसका नाम क्या होगा? अगर एक कार्बन है तो हम बोलेंगे मिथ, जैसे कि अभी हमने बोला मीथेन, इज इट विजिबल? यस, है ना। अगर एक कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे मिथ, फाइन।
और अगर दो कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे इथ, ई टी एच, ई टी एच, इथ। और अगर तीन कार्बन हैं तो उसका नाम हो जाएगा प्रॉप, पी आर ओ पी। और अगर चार कार्बन हैं तो इट इज ब्यूट, लिखते ब्यूटी बट की तरह है लेकिन बोलते हैं ब्यूट, ओके। और अगर पांच कार्बन हैं तो हम बोलेंगे पेंट, ओके। आज के लिए हम इतने ही पांच कार्बन वाले एलिमेंट्स का ही नाम बोलेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे ज्यादा की बात करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, वन इज फॉर मिथ, टू इज फॉर इथ, थ्री इज फॉर प्रॉप, फोर इज फॉर ब्यूट एंड फाइव से पेंट। अब अगर मेरा एल्केन होगा, यानी कि जैसे कि मीथेन की तरह, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड्स, एल्केन्स हैव सिंगल बॉन्ड्स, तो अगर एल्केन होगा तो मैं इसको नाम बोल दूंगी एन, प्लस इसमें एन लगा दूंगी, ओके। और अगर एल्कीन होगा तो मैं इसमें लगा सकती हूँ ई, और एल्काइन होगा तो लगा दूंगी वाई एन ई। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, सी मीथेन। अगर मैं ईन लगाऊंगी तो दूसरा नाम हो जाएगा, ओके, मीथीन, सॉरी इथीन, ओके। और प्रोपीन, ब्यूटीन एंड पेंटीन। सो दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, दैट यू हैव टू सी हाउ टू फॉर्म द डबल, ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स। आज हमने क्या पढ़ा है, वी हैव रिवाइज्ड दैट कार्बन इज वोलेटाइल इन नेचर, कार्बन कैन हैज टेट्रावेलेंसी एंड कार्बन कैन शो कैटेनेशन, बिकॉज ऑफ इट्स कैटेनेशन इट फॉर्म्स डायमंड, इट फॉर्म्स ग्रेफाइट, इट फॉर्म्स फुलरीन्स एंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज कोल। एंड वेन वी टॉक्ड अबाउट डायमंड वी सेड दैट डायमंड इज फॉर्म व्हेन लोड्स ऑफ प्रेशर इज टेकन अप बाय द कार्बन। तो जिंदगी में हम प्रेशर से घबराए नहीं, क्योंकि ये प्रेशर ही हमें डायमंड की तरह चमकना सिखाएंगे। और फिर उसके बाद हम आए हाइड्रोकार्बन्स पर, हाइड्रोकार्बन्स विच आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पे हमने बात करी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। जैसे कि हमने कहा कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड्स, चार इलेक्ट्रॉन्स को वो यूज कर सकता है जो कि उसके चार हाथों की तरह हैं। जैसे मेरे पास दो, तो इन चार हाथों को यूज करते हुए जब कार्बन एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके चार बॉन्ड्स बनाता है तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हमने कहा इन केस ऑफ मीथेन एंड इथेन, CH4 एंड C2H6, इनके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जहां चारों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनमें से सम ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड टुगेदर। Like for in this example, in case of alkenes, at least one. ऐसा नहीं है कि पूरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड ही डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, तब हम उसको बोलते हैं एल्कीन। सिंपलेस्ट डबल बॉन्ड आपके सामने स्क्रीन पे है, सी डबल बॉन्ड सी डबल एच टू, एच सी एच सी डबल बॉन्ड सी एच टू, यानी कि C2H4 टुगेदर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, विच इज इथीन। और हमने ये भी सीखा कि इथीन के आगे अगर तीन कार्बन होगा तो हम बोलेंगे प्रोपीन। जैसे कि अगर हम एक फैमिली से होते तो हम बोल लेते हैं ना कि जैसे मिस्टर गुप्ता, तो अगर गुप्ता जी की फैमिली है तो चारू गुप्ता या धर्मेंद्र गुप्ता, मैंने आपका सरनेम चेंज कर दिया, प्लीज वो मत करना ऐसे, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इथीन, ओके, अगर हमने इन बोला तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और एन बोला जैसे कि चारू मैनी, तो मुझे समझ में आ गया कि ये इस फैमिली, तो एल्केन एन लगाएंगे तो एक पर्टिकुलर फैमिली जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और अगर आइन लगाया वाई एन ई तो ये तीसरी फैमिली हो गई। तो एक फैमिली का नाम है एन, दूसरी फैमिली का नाम है ईन, और तीसरी फैमिली का नाम है आइन, ओके। तो इस तरह से अगर आयन लगाया है तो इसका मतलब इसके अंदर है ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल मिस मैनी, आपने बहुत आसान तरीकों से कितनी कमाल की जो एक्टिविटीज थी
आप थोड़ा सा समय अगर रिवाइंड करें उस ज़माने में, आई मीन उस ज़माने से तात्पर्य है कि जब हम क्लास 10th में थे या 11th में थे, उस तरीके की एक्टिविटी शायद नहीं होती थी, हम उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन कितना अच्छा समय है इस जनरेशन के बच्चों के लिए कि वो इस तरीके के प्रॉप्स, ऑब्जेक्ट्स, शीट्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू कठिन से कठिन चीज़ों को कितने आसान तरीक़ों से समझ सकते हैं। जैसा कि मिस मनी आपने बताया, वो शीट पर भी लिख कर बताया, अब उसको अगर प्रोपेन है तो प्रॉप लिख के वो मीथेन किस तरीके से हो रहा है, प्रोपेन कैसे हो रहा है, ब्यूटेन कैसे हो रहा है, अलग अलग तरीके से किन किन संदर्भों में वो नाम भी बदलते चले जा रहे हैं, कितना आसान है याद करना। बिल्कुल, आधे सेकंड में आपको ये बताना है बहुत जल्दी। आपने बोला कि खौफ नहीं होना चाहिए, डर के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। स्कूल खुल गए हैं, आप चूंकि प्रिंसिपल हैं, आपने कैसा अनुभव अभी किया है, और अभी भी बच्चे शायद उस खौफ में हैं, तो उनको आत्मविश्वास के रूप में एक मोटिवेशन वाले वो मैसेज क्या होना चाहिए बहुत कम वक्त में? सो माय डियर स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, ओके? क्योंकि घबराने घबरा के हमें कहते हैं मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, आइडिया लगाना चाहिए कि आइडिया क्या लगाएंगे इस समय, मुसीबत है, अगर कोरोना की मुसीबत है तो आइडिया क्या है, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि बिल्कुल ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत तो शुक्रिया मिस पनीत, तबीयत नाशाज होने के बावजूद भी आपने अपना वक्त हमारे स्टूडेंट्स के लिए दिया, विद्यार्थियों के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो सेशन है वो लैंग्वेज संस्कृत से संबंधित है, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ।